राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। दोस्तों आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। तो जहाँ तहाँ हम लोग लगा रखे हैं, ये है पोहे का पौधा। पोहे सब्जी बहुत ही हेल्दी होता है और खून तो बहुत ही, इसको हम लोग खून बनाने की मशीन बोलते हैं। तो हर जगह अपने कोलाई में हम लोग जहाँ तहाँ बो रखे हैं। देखिए यहाँ भी पोहे है, आगे भी हम लोग आपको दिखाएंगे पोहे, और यहाँ भी बहुत पोहे बो रखे हैं। तो इसका हम लोग डंठल नहीं तोड़ते हैं, पत्ते और फुलंगी तोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ से ये फुलंगी तोड़ दिया, मुलायम एकदम होता है, और इसका पत्ता इस तरह से हम तोड़ देंगे। ये देखिए, और इसी की हम सब्जी बनाते हैं। और इसका एकदम खास मसाला है, एकदम देसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम पोहे तोड़ दिए हैं, और ये एकदम सेम पालक की तरह होता है। वैसे इसको हम बंगाली साग बोलते हैं, लेकिन अब हर जगह मिलता है, और अंग्रेजी में इसको इंडियन स्पेनिश बोलते हैं। फायदे तो इसमें इसके हजारों हैं, लेकिन आपको हम मेनली 4-5 फायदे बता देते हैं। एक, खून बढ़ाने का काम करता है, खून को साफ करता है। अगर खून साफ होता है तो चेहरा भी साफ हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी जिन आदमियों को है उनके लिए भी बहुत आरामदायक है। ये मधुमेह के बीमारियों के लिए बहुत आरामदायक है। पेट को साफ करने में बहुत सहायक होता है। जिसका पेट साफ है तो समझिए कि सारा बीमारी साफ है, कोई बीमारी नहीं होता है। तो इसको जरूर अपने खाने में दें, डाइट में जरूर रखें। और सबसे बड़ा बात है इसका फायदा, वो है आदमी का मोटापा कम। अगर इसको अपने डाइट में आप रखते हैं, इसका साग बनाते हैं, इसको सलाद में यूज़ करते हैं, तो आपका मोटापा कम हो जाता है। तो मोटापा कम होगा तो सारा बीमारी कम हो गया। तो इसको ले चलते हैं और हम कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा देते हैं। सारे पत्ते को हम धो लेते हैं। वैसे तो आपको पत्ते देखते ही पता लग जाएगा कि पत्ते फ्रेश हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लें। इसके बैक साइड में किसी पत्ते में देखिए इस तरह का कीड़े लगे होते हैं, तो इसको बढ़िया से धोना होता है। तो पत्ते को बढ़िया से हम धो लेंगे। सारे पत्ते को हम धो लिए हैं बढ़िया से, अब इसको निकाल कर हम रख देंगे। और आज आपको ऐसा तरीका हम बताएंगे पोहे का सब्जी बनाने का कि आप लोग अंगुलियां चाट के खाएंगे। लोग बढ़िया नहीं बनता है और जिबजिबा बनता है, इस वजह से लोग खाते नहीं हैं। फायदा तो इसका इतना है कि पूछिए मत आप। इससे ब्रेस्ट जो कैंसर होता है औरतों के लिए, जो छाती में कैंसर होता है, वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाता है। इससे विटामिन सी है, इसमें फाइबर है, इतना चीज़ है कि मतलब अगर आप सारी चीज़ बातें जान जाएंगे तो इस सब्जी को आप ढूंढ के खाएंगे। और हम तो चाहे यहाँ होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, ज़रूर इसको एक दो बार बना के खाते हैं, और ज़रूर आप लोग भी खाइएगा। बस ये बनाने का तरीका आपको आ जाएगा ना, तो आप एक बार का महीना में जब भी आपको पोहे मिलेगा तब भी आप बना के खा सकते। तो बढ़िया से धो कर रख देते हैं, और इसमें हम क्या क्या मिलाएंगे वो भी आपको बता देते हैं। इसे हम लोग मसूर का दाल मिला के बनाते हैं। तो दाल को हम लोग पहले भिंगा देते हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आप इसको भिंगा दे। दाल जब तक हमारा सॉफ्ट हो जाता है तब तक हम लोग मसाले निकाल देते हैं और मसाले पीस लेंगे। और ये पोहे का सब्जी तो जहाँ जाएंगे ना आप, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जो तरीका सबसे टेस्टी होता है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए मसाले निकाल देते हैं। पोहे का पत्ता बनाने के लिए हम क्या क्या मसाले लिए वो दिखा देते हैं। 8-10 लाल मिर्चा है, इसका डंठल हम तोड़ देंगे। एक गांठ लहसुन को हम छील लिए हैं। 10-15 काली मिर्च है। 1 टीस्पून जीरा है। 1 टीस्पून जीरा से ज़्यादा धनिया है। 1 टीस्पून सरसों है, काला पीला कोई भी। और 1 टुकड़ा हल्दी का लिए हैं। इसमें कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सारे मसाले को हम पीस लेंगे और फिर हमारा सब्जी का काम हो जाएगा। मसाला कोई भी नहीं चाहिए। डंठल तोड़ देते हैं। इसको आप थोड़ा थोड़ा पानी देके और मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन जब हल्दी हो इस तरह का तो इसको टुकड़ा टुकड़ा करके और हल्दी को डालना पड़ेगा आपको मिक्सी जार में, नहीं तो ये ब्लेड तोड़ देगा आपका। और यहाँ पर सिलौटा भी पीसने के लिए इसको एकदम महीन महीन होना ज़रूरी है। अगर महीन नहीं होगा तो ये हल्दी आपका पीसा नहीं जाएगा। हल्दी को बारीक बारीक कर दिए हैं, अब हल्का हल्का पानी डाल के और मसाला पीस देंगे। मसाला हमारा पीस गया है, अब इसको एक प्लेट में उठा देते हैं।
चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में एक टेबल स्पून तेल डालेंगे सब्जी बनाने के लिए। तेल को गर्म हो जाने देते हैं जब तक तड़का में एक हम प्याज लिए हैं, इसको रफली काट देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो तड़के में हम डालेंगे 10 से 20 दाना मेथी। मेथी को तड़का लेंगे। ठीक, हमारा तड़क गया है तो यहीं पर हम एक छोटा सा प्याज लिए थे उसको भी रफली काट दिए हैं, डाल देते हैं। प्याज हमारा बढ़िया से भून गया है तो यहीं पर मसाले डाल देते हैं। मसाले के बर्तन में 2-3 टेबल स्पून हम पानी डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे और मसाले को हमें बढ़िया से भून लेना है। मसाला हमारा बढ़िया से भून गया है, देख रहे हैं तेल छोड़ दिया है। तो जो दाल दिए थे उसको 2-3 बार हम धो भी दिए थे लेकिन पानी में इसको रखे हैं कि ताकि बढ़िया से फूल जाए और जल्दी बन जाएगा। अब इसे भी मसाले के साथ भूनेंगे 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट भूनेंगे। दाल को भी 1 मिनट हम भून दिए हैं मसाले के साथ। पोहे डाल देते हैं। तो पोहे को आप चाहें तो बराबर छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1-2 मिनट हम ढक के पकाएंगे क्योंकि दाल नीचे हमारा है तो थोड़ा दाल पक जाए, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या क्या डालना है इसमें। तो हमें दाल को ही ज़्यादा पकाना है, पोहे तो एक जैसे पालक का साग पकता है वैसे ही पक जाएगा। तो अभी धीरे आंच पर 1-2 मिनट हम दाल को नीचे पका देते हैं, उसके बाद इसको चलाएंगे। देख रहे हैं ऊपर ही साग रखने में एकदम पक गया है। अब इसमें आपको कम ग्रेवी ज़्यादा ग्रेवी जिस हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से बनाएं। ये लटपट बनाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जितना हमें चाहिए। दाल तो हमारा लगभग फूल ही गया था ज़्यादा, और अभी थोड़ा सा बाकी है तो दाल भी पकी गई। तो इसमें पानी डाल देते हैं 1 कप के करीब। आप थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ये 250 ml पानी है। अगर और भी आपको थोड़ा सा पतला करना है, इसमें अभी ये जो एकदम लटपट जैसा हो गया लेकिन और भी थोड़ा सा पतला करना है तो आपको और भी थोड़ा पानी डाल सकते हैं, इसमें मार्जिन है। तो ये 0.5 लीटर से कम ही पानी डाला हूँ बस। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमें कितना इसका पानी हमने इसमें डाल दिया, तभी नमक डालें। पहले नमक नहीं डालें, अभी हम नमक डालें कि हमें ग्रेवी वाला बनाना है या तरी वाला बनाना है। अब यहाँ स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं और इसको धीरे आँच पर 5 मिनट पका लेंगे। इसको अब ढक देते हैं। ये साग एकदम अलग अलग हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो काट के भी डालें लेकिन काट के डालने का कोई नहीं है, ये सब एकदम मुलायम मुलायम है, खाने में एकदम मज़ा आएगा। ढक देते हैं और धीरे सा इसका आँच जला देते हैं और धीरे धीरे जला के पका देंगे। हमारा दाल और पोहे दोनों ही पक गया है। इसको ढक देते हैं और 2-3 मिनट के बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। वैसे आप लोगों को पोहे बना के खाना चाहिए, हम तो बराबर खाते हैं और हमें बढ़िया भी लगता है। अगर सब्जी थोड़ा 19-20 भी लगता है और जो फायदेमंद सब्जी हो उसको खाना चाहिए। तो देखिए हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया है, सर्व कर देते हैं। तो देख ही रहे होंगे कि सब्जी देखने में कितना टेस्टी है। तो ये देखिए हमारा पोहे की सब्जी और रोटी मैडम बना के लाई है, दोनों प्लेट तैयार हो गया है। जो हम पोहे की सब्जी बनाए हैं इसमें आप अरहर की भी दाल बना सकते हैं, और भी हेल्दी बनाना है तो मूंग का दाल डाल के बना सकते हैं, दाल चेंज कर सकते हैं और बिना दाल का ही बना सकते हैं। आपके पास अगर पोहे ज़्यादा क्वान्टिटी में है तो आप बिना दाल डाले ही बना सकते हैं। तो चलिए इसको खा के दिखाते हैं कि बना कैसे है। ये जो हम पोहे की सब्जी बनाए हैं ना, ये बाजार में नहीं मिलता है सर। अच्छा,
वहाँ पे मोटा मोटा पोई मिलता है, वही उसका भी सब्जी बहुत बढ़िया बनता है। हम लोग के पास ये छोटा पोई है अपने खेत में है ना, तो इसी वजह से देसी वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को टेस्ट करा दें कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना हुआ है, आप लोग को ये हमारा पोई की सब्जी कैसी लगी जब आप घर में बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा ये कैसा लगा। घर में ज़रूर बनाइएगा और तब हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमने पोई बनाया कैसा बना। वीडियो पसंद आई हो हमारी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हम कोई भी रेसिपी बनाएँ वो आपके आपके यहाँ आसानी से पहुँच पाए। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें हमारा आइडिया दादाजी का ढाबा, और हमें क्या क्या बनाना है आप लोगों के लिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहें। आप लोगों का पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।